Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है एक YouTube के फ्रेश एपिसोड में। हालांकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स मिल गए थे कि मैं एक एंटी थेफ्ट के बारे में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स चोरी होने की बहुत सारे चांसेस रहते हैं, काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं। तो ऐसे में मैं एक वीडियो बनाऊँ कि कोई एक अच्छा एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर रहेगा, वो बाकी सारे यूज़र्स के लिए काम नहीं आएगा, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में मैं एक दो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। एक तो गूगल का डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड मोबाइल मैनेजर है और दूसरा एक अवास्ट मोबाइल मैनेजर है। वो दोनों सॉफ्टवेयर को, दोनों एप्लीकेशंस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको उसका डेमो दिखाऊँगा और आशा करता हूँ कि आपको आपका आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो दोस्तों, इसमें तो सबसे पहला जो आपने को फीचर मिलता है एंटी थेफ्ट के बारे में, वो आप अगर सिक्योरिटी में जाओगे और ये फाइंड माय डिवाइस करके है, उसको आप ऑन कर दोगे। गूगल फाइंड माय डिवाइस करके है, उसको आप अगर ऑन कर दोगे ना, इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और फिर उसको डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स दे देना है। और एक बार अगर आप डिवाइस एडमिन का राइट्स दे देते हो, मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली डाउनलोड करके। इसको ओपन कर, पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हो कि ये अपना जो फ़ोन है वो इधर डिस्प्ले होता है ये पर्टिकुलर इसमें। और अगर आपका इंटरनेट ऑन रहेगा तो ये पर्टिकुलर इसको आप यूज़ कर सकते हो। लोकेशन सर्विस को ऑन कर देता हूँ। अगर आपका मोबाइल डेटा ऑफ रहेगा, जब भी आपका फ़ोन अगर लेट से चोरी हो जाता है, अगर आपका मोबाइल डेटा ऑफ रहेगा तो फिर ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो काम में नहीं आएगा। तो ऐसे में अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन रहेगा तो ये काम करता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको वेबसाइट में जाना है और एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर करके टाइप करना है। इसमें जाके आपको साइट्स मिलेगा गूगल में, वो पर्टिकुलर साइट में आपको लॉगिन करना है। मैं जस्ट लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद इधर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रहेगा तो आपका इधर डिवाइस की पोजीशन मिल जाएगी और बाकी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे प्लेयर साउंड और एनेबल लॉक। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मेरे डिवाइस की जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर दिखा रहा है मैप में। या आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो। अगर आप प्ले साउंड करोगे तो आपका फ़ोन में साउंड बजना, सायरन बजना चालू हो जाएगा। और अगर आप इनेबल लॉक या फिर अरेज कर दोगे तो फिर आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा या फिर उसका डेटा वाइप हो जाएगा। और दूसरा एक अच्छा एप्लीकेशन मैं देख रहा हूँ जो मुझे अवास्ट का मिला प्ले स्टोर में, वो मैं काफ़ी एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मैं पेड वर्जन यूज़ करता हूँ। हालांकि ये वो 250 रुपीज़ का पेड वर्जन है पर ईयर का। और ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है अवास्ट सिक्योरिटी प्रो करके, जिसमें आपको एंटीवायरस भी मिलता है और एंटी थेफ्ट का भी मिलता है। मैं आपको एंटी थेफ्ट के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको ऐप लॉकर का भी मिलेगा, फ़ोटो वॉल्ट भी मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन स्पेशल जो उसका फीचर है वो एंटी थेफ्ट है। ये पर्टिकुलर सीन ऐसा काम करता है कि अगर आपका सिम कार्ड चेंज होता है तो भी ये सायरन बजाता है। या फिर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप SMS के द्वारा भी यूज़ कर सकते हो। लेट से अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन रहेगा तो आप अवास्ट के साइट पर जाके वो लोकेट कर सकते हो और उसको इरेज कर सकते हो या फिर सायरन कर सकते हो, जो भी आपको करना है। या फिर आप अपने वेबसाइट पर जाके, आवास्ट के वेबसाइट पे जाके फ़ोटो भी, फ्रंट कैमरा से फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हो कि किसके पास ये पर्टिकुलर डिवाइस है। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर आपका डिवाइस या फिर फ़ोन स्टार्ट चालू मोड में रहेगा। अगर चोरी करने के बाद चोर ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें एक SMS का ऐसा भी ज़रिया है जिधर आप सिर्फ SMS किसी और नंबर से, जो भी ट्रस्टेड नंबर आपने इधर रजिस्टर किया रहेगा, वो ट्रस्टेड नंबर से अगर आप SMS भेजते हो ये नंबर पर और अगर आपका फ़ोन चालू रहेगा तो फिर ये सारे ऑप्शंस आप SMS के द्वारा भी कर सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल डेटा की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लॉस्ट, फाउंड, लॉक, अनलॉक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आप और भी सारे ऑप्शंस देखोगे, जैसे कि पिन सिक्योरिटी है, लॉक ऑन सिम चेंज है, सिम कार्ड चेंज होने के बाद ये लॉक हो जाता है, और फिर ये साउंड सायरन करता है, कैमरा ट्रैप भी करता है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दी गई है, लास्ट लोकेशन जो नोन है वो भी भेजता है। मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखाता हूँ सिम कार्ड चेंज करने से। ये मेरे पास एक सिम कार्ड है, मैं इसको अभी डालता हूँ इधर। उसका एयरप्लेन मोड को डिसेबल करता हूँ।
और जैसे कि आप देख सकते हो सायरन बजना चालू हो गया। दिस फोन हैज बीन लॉस्ट और स्टॉलन। दिस फोन हैज बीन लॉस्ट और स्टॉलन। तो अगर आप एक बार पिन कोड डाल लोगे तो फिर वो सायरन हट जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये डिवाइस कैसे लॉक हो गया था, मैंने सिम कार्ड जब ही चेंज किया था। अभी ऐसे ही मैं आपको ये डिवाइस को SMS के द्वारा यूज़ करके दिखाता हूँ। मानो ये आपका डिवाइस है चोरी हो गया है और आपको अगर दूसरे एक नंबर से जो कि ट्रस्टेड नंबर है वहाँ से आपको SMS सेंड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि SMS के कमांड के द्वारा आप कैसे ये डिवाइस को लॉक कर सकते हो। तो ये मेरा अभी दूसरा सिम कार्ड है और ये मेरा ओरिजिनल सिम कार्ड है। अभी मैं इसमें मैसेज डालता हूँ मेरा पिन कोड जो आवाज़ का है और डालता हूँ लॉक। अभी आप देख सकते हो ये डिवाइस अभी अनलॉक स्टेट में है। मैं SMS को सेंड करता हूँ, अभी देखते हैं ये डिवाइस लॉक होता है कि नहीं होता है। SMS इधर आ गया और आप देख सकते हो डिवाइस लॉक हो गया। ये देखो डिवाइस लॉक हो गया। तो एक SMS के द्वारा भी आप डिवाइस को लॉक कर सकते हो, सायरन बजा सकते हो, वाइप कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। आपको इसके लिए डेटा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ। अभी एक बार हम लोग लॉस्ट वाला ट्राई करते हैं। लेट से हमारा मोबाइल लॉस्ट हो गया और आपको लॉस्ट वाला करना है। आप देख सकते हो सायरन चालू हो गया। दिस फोन हैज बीन लॉस्ट और स्टॉलन। आपको पिन कोड डालना है, उसके बाद ही ये फोन चालू हो जाएगा। अदरवाइज पिन कोड नहीं डालोगे तो ये फ़ोन बचता ही रहेगा और इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है ये आवाज़ में कि आप SMS के द्वारा उसको कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, इसका आप लास्ट लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो, या फिर इसमें आप जाके आप फ्रंट कैमरा से फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड्स भी कर सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस दिए जो एंटी थेफ्ट एक एप्लीकेशन में होने चाहिए। तो मैं ये हमेशा यूज़ करता हूँ। मतलब अगर कोई सिम कार्ड भी चेंज करता है या फिर कोई कुछ भी करेगा तो इशू नहीं आ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आवाज़ का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। सिर्फ 250 रुपये पर ईयर में उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें अपने को एंटी थेफ्ट मिल जाता है, एंटीवायरस भी मिल जाता है। और एंटी थेफ्ट इतना बढ़िया जो सॉफ्टवेयर है, APK फाइल एप्लीकेशन है, जिससे आप एक सिर्फ कमांड के द्वारा भी आप अपना जो फ़ोन है वो अच्छी मतलब यूज़ कर सकते हो। एक सिर्फ एक कमांड भेज के भी आपका फ़ोन कंट्रोल कर सकते हो। फिर चाहे आप सायरन बजा सकते हो, पूरा डेटा वाइप कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से अगर सामने चोर की तस्वीर भी खींच सकते हो, और काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस उसमें दिए गए हुए हैं। तो मुझे पर्सनली ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये एप्लीकेशन अच्छा लगा रहेगा तो आप ले सकते हो। ऐसा कुछ ये कुछ पेड प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि ये मैं एप्लीकेशन 3 सालों से यूज़ करता हूँ और जब भी मैं कोई सिम कार्ड भी अगर चेंज करता हूँ तो भी सायरन बजना चालू हो जाता है। तो मतलब ऐसे में अगर कोई चोर रहेगा, अगर वो सिम कार्ड चेंज करेगा तो सायरन बजेगा, अगर कुछ भी करेगा तो सायरन बजेगा। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है। और अगर वो रिकवरी मोड में भी जाता रहेगा डायरेक्टली अगर, तो भी उसको फिर पासवर्ड लगेगा रिकवरी मोड में एंटर करने के लिए, स्पेशली 1+5T में तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।